ना राजस्थानी तीज त्यौहार रेसिपी में देखिए, मैं लाई हूँ धनिया। ये धनिया लिया है बहुत सारा, तो इसको हम स्टोर करके रखेंगे गर्मी के लिए, क्योंकि गर्मी में धनिया मिलता भी नहीं है, और मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, 200 रुपया किलो मिलता है। तो इस तरीके से रखें, आपका धनिया बिल्कुल हरा बना रहे। और अभी मेरा अगले साल का पड़ा है, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पड़ा है, ना कोई कीड़े पड़े हैं। अच्छे से रखोगे तो आपका धनिया बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे आप जैसे ही सब्जी में डालोगे तो ताज़ा ताज़ा दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसको इसको हम तोड़ेंगे, इतना इतना वो तोड़ के हम इसको अभी हमें यहाँ रख रहे हैं, फिर आप छाया में रखना है इसको। तो आप गंदा गंदा धनिया उठा दें, और चाहे तो इसको है ना अभी हम धोएंगे भी, सारी तोड़ के धोएंगे और तोड़ के टोकरी में रखेंगे, और टोकरी में रखने के बाद हम इसको सुखाएंगे। ये सारा धनिया साफ कर लिया है, और देखिए धोने के बाद कैसा हो गया है, जैसे मुरझाए मुरझाए। तो इस तरीके से धनिया को आप अगर धो के और सुखाओगे ना, तो आपको इसको फैला के नहीं सुखाना है, इसको टोकरी में रखा रहने देना 1-1.5 घंटे तक, पानी निचुट जावे पूरा, फिर आप इसको सुखा सकते हो कपड़े के ऊपर, क्योंकि पानी तो निकलेगा नीचे से ही, और कपड़े पे पानी नहीं निकलेगा तो आपका धनिया सड़ भी सकता है। तो इस तरीके से हम पूरा पानी झड़का लेंगे इसका, और फिर हम इसको छाया में रखेंगे। अभी हरा का हरा ही रहेगा, ये देखिए, देखिए हरा का हरा बना रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको सुखाएंगे, और सुखा के फिर हम इसको डब्बे में भर के रखेंगे। तो मैंने देखिए स्टोर करके अभी रखा है, नीचे रखा है, मैं छत पर बैठी हूँ, तो इस तरीके से वो भी अभी दिखाऊंगी। कि आप धूप में रखोगे तो ये आपका धनिया पीला और काला पड़ जाएगा, तो इसको आपको छाया में ही रखना है, और टोकरी को इस तरीके से रखना है किसी के ऊपर जैसे पानी हमारा निकलता रहे, इस तरीके से इस पर रखूंगी सुखाने के लिए। ये देखिए, तो हमारा पानी पूरा निचुड़ जाएगा इसमें, और इस तरीके से धनिया को एक बार पानी निचुड़ जावे, फिर आप चाहे कहीं भी छाया में सुखा सकते हो, धूप में नहीं सुखाना है बिल्कुल भी। तो देखिए मैंने धनिया जो सुखाया था ना, अच्छे से धो के, अभी तो ठंडा पानी हो रहा है, सर्दी है तो सर्दी रात को तो छत पे तो बहुत ठंडा पानी रहता है मटकियों में। तो इस तरीके से ये देखिए मेरा धनिया बिल्कुल सूख गया है, एकदम अच्छे से बढ़िया से हो गया है। और आपको धनिया कितना डालना है सब्जी में, आपको सिर्फ इतना धनिया डालना है सब्जी में, ये धनिया आपका बहुत सारा ढेर सारा हो जाएगा सब्जी में जब डालोगे तो। आप बस इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, मैं इसको ज़्यादा मसल के नहीं रखूँगी। और इस तरीके से ये देखिए, ये डंडी भी कच्ची है इसकी, हमने मोटी मोटी निकाल दी थी। इस तरीके से आप डाल दिए सब्जी में, बस इतना धनिया बहुत है, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो सूख के, मैंने बहुत सारा सुखाया तो देखिए कितना कम हो गया। तो इस तरीके से धनिया आप बना सकते हो, देखिए हरा है बिल्कुल, देखिए हरा है धनिया, ये देखिए धनिया गर्मी में मिलता भी नहीं है, और बरसात में तो बहुत ही बेकार आता है धनिया, पीला पीला आता है, क्योंकि धनिया बहुत कोमल होता है, और कोमल होने के चक्कर में वो क्या है गर्मी में अपने आप गिर जाता है, जैसे ही उगाते हैं उसको छाया चाहिए, उसको हवा चाहिए। तो इसलिए इस तरीके से आप भी धनिया सुखाएं। तो राधे राधे हरे कृष्णा, राजस्थानी तीज त्यौहार रेसिपी में देखिए, ये धनिया है बढ़िया एकदम, और ये साल भर तक आप चला सकते हो इसको।